सब्जी विक्रेता रामेश्वर और राहुल गांधी की तस्वीर पर बीजेपी ने तंज कसा है। दरअसल बैठकर बात करते और लंच करते वक्त भी राहुल गांधी और सब्जी विक्रेता रामेश्वर के शर्ट पर वायरलेस माइक लगा दिख रहा है। बीजेपी की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इसी को मुद्दा बनाकर तंज कसा है। वहीं अमित मालवीय ने राहुल गांधी को घेरा तो कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है। इससे पहले अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में इसे घर आए गरीबों का शोषण बताया है। मालवीय का तर्क है कि शोषण करना होता है तभी घर आए गरीब को माइक लगाकर उससे मिला जाता है और बात की जाती है। अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में लिखा, आप अपने घर आए किसी गरीब से माइक लगाकर तभी बात करते और मिलते हैं जब आप उसकी गरीबी का शोषण करना चाहते हैं। इससे पहले जब रामेश्वर और राहुल गांधी की मुलाकात की तस्वीरें सामने आई तभी अमित मालवीय ने तंज कसते हुए सवाल उठाए थे। अमित मालवीय ने तब अपने ट्वीट में लिखा था, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुए आजादपुर मंडी के रामेश्वर जी के वीडियो को लेकर राहुल गांधी ने राजनीति की, फिर उन्हें लल्लन टॉप की टीम ने खोज निकाला। लल्लन टॉप से इंटरव्यू के दौरान रामेश्वर जी कहते हैं कि उन्हें सोशल मीडिया के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन खुद राहुल गांधी से मिलने की बात कहते हैं। क्या उन्हें ये कहने के लिए किसी ने कहा, आज हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी के गुर्गों को छोड़कर राहुल गांधी से कौन मिलना चाहता है? यह सब सिर्फ संयोग है या फिर रामेश्वर जी नए कलावती है? गौरतलब है दिल्ली में सब्जी बेचने वाले रामेश्वर से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को मुलाकात की थी। राहुल गांधी ने रामेश्वर को अपने घर बुलाकर लंच भी कराया था। इस दौरान की जो तस्वीरें सामने आई उनकी वजह से बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया। वहीं अमित मालवीय ने जब सब्जी विक्रेता रामेश्वर और राहुल गांधी की मुलाकात के बारे में लगातार ट्वीट किए तो कांग्रेस की तरफ से भी जवाब दिया गया। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अमित मालवीय पर बढ़ती महंगाई को लेकर सवाल उठा दिया। सुप्रिया ने अमित मालवीय को चुप रहने के लिए भी बोला। फिलहाल इस मामले पर लगातार सियासत तेज हो गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।